सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव आज लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कार्यकर्ताओं से एक बड़ी अपील की है। हम शादियों में जाते तो करते थे प्रचार, तो बोले साधु में आए कि प्रचार करने आए। अब क्या हम साधु समझते हैं क्या? अपनी पार्टी का काम नहीं बताएंगे? बताइए, कोई सन्यासी है तो चुप रह जाते थे। तो इसलिए पार्टी का काम और पार्टी कैसे जीते, अगर आप भी जानना चाहते हैं, आप जाए कैसे जीते तो कुछ हमें दिक्कत है तो जल्दी तो हमारे वहाँ पर पार्टी की तो मजबूत है, लेकिन उम्मीदवारों को कमजोर दिया जा रहा है। हमारी राय में ये मजबूत है, हम समीक्षा कर लेंगे कि आपने चुपचाप जो दिए गोपनीय लिख दीजिए तो फिर हम आपकी बात मान लेंगे। हमें तो मजबूत चाहिए, जीतने वाला चाहिए। अब आप कुछ लिख देते थे कि जीत सकता है, इसके पास पैसा नहीं ना तो ये जीत सकता, तो हम तो जब मदद करते थे जीतने वाले, कहीं से ना पैसा पैसा देते और दिया है बहुत। आपको भी पता होगा हम भी कहीं से मांगते थे और पैसा देते थे। अब आज देखिए महिलाएं की तादाद घर से चली गई, पहला महिलाएं 40-41 आती थी, अब क्या बैठी हैं बताइए? अब तो 8 हैं, चलिए 8 भी काफ़ी है अगर काम करें तो। अरे बोलो मत, सुन लो, अगर आप 8 ही है, 8 को और जोड़ लेगी और दो दो को जोड़ लेगी तो भी पार्टी मजबूत हो जाएगी। महिलाएं वोट डालने के लिए सबसे पहले पहुंच जाती थी, शाम को खाना होने का शाम को खाना बनाओ और सवेरे खा दो खिला दो जाओ वोट डालने जाओ, तो पालन किया था और पालन किया पार्टी जीत। तो पार्टी को कैसे जिताया जाए ये किसी को देना है, बताना है, राय देना है तो गोपनीय पत्र लेकर के हमें बता दीजिए। अब एक ही है कि पार्टी को जीतना है और पार्टी वर्कर की कमी नहीं, आपकी पार्टी में मध्य प्रदेश में बहुत वर्कर हैं, वहाँ कोई जाता ही नहीं। हम जाते थे और रुकते थे कई दिन, अब ये खेत गए और 4-5 भारत दिया भागे तो मैंने कभी जाते वहाँ पर क्या हुआ था चित्रकूट में भी जाते तो सब लोग मिल लेते चित्रकूट में। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग अब एक ही निशाना है, समझ गए? बंदूक के आधार पर निशाना मारने के लिए एक ही किया जाता है, तो वो निशाना हमें पार्टी को जिताना है, ये हमारी अपील है। और आप में से कोई बोलना चाहता हूँ तो अपने नाम तो भेजो, नाम तो दिए नहीं, मैं चाहूँगा कि आप बोलिए। पंकज शाही गोरखपुर, तोमर बहुत विद्वान हैं, हमको बहुत उन्होंने राय दी, श्री ओम वीर तोमर। इसलिए आपसे अपील है कि एक ही निशाना रहे, एक निशाना चुनाव कैसे जीते, कौन क्या कर रहा है इसकी परवाह मत करो, और कुछ हमें बताने लायक हो तो चुपचाप गोपनीय पत्र भेज दो या खुल दो तो हम सुधार कर लेंगे। लेकिन अब चुनाव के दिन बचे ही नहीं,
बहुत आदरणीय नेताजी, बहुत सम्मानित हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। खैर, मुलायम के बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि वो सपा बसपा के गठबंधन से काफी नाखुश हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी को अपना सियासी दुश्मन बताते हुए ये भी साफ कर दिया है कि उनकी पीएम मोदी के लिए मनोकामना महज एक औपचारिकता थी। एसपीएन 9 न्यूज रूम से रिपोर्ट।